ये क्वेश्चन हमें कह रहा है द डिजाइन ऑफ सम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्स दैट देयर बी अ कांस्टेंट डिफरेंस ए लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर्स बिटवीन एन आयरन रॉड एंड अ कॉपर सिलेंडर लेड साइड बाय साइड एट ऑल टेम्परेचर्स फाइंड देयर लेंथ प्रोवाइडेड दैट अल्फा आयरन इज 1.1 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5 एंड अल्फा ऑफ कॉपर इज 1.67 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5 यूनिट्स. तो मैं इसके सोल्यूशन पे प्रोसीड करता हूँ. हमें ये कंडीशन गिवन है कि कॉपर सिलेंडर और आयरन रॉड के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर ही रहनी चाहिए फॉर ऑल टेम्परेचर्स. जो ऑल टेम्परेचर्स है यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग. अब देखो अगर मैं कॉपर सिलेंडर की लेंथ L1 मान लूं, सो लेट द सिलेंडर लेंथ बी L1, लेंथ बी L1 और लेट द रॉड लेंथ बी L2. तो हमको क्या गिवन है कि इनिशियली L1 माइनस L2 10 है और वो हमको कह रहे हैं कि हम किसी भी टेम्परेचर पे चले जाएं L1 माइनस L2 10 ही रहना चाहिए. दैट मीन्स अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये बात होता है कि L1 भी चेंज होगा और L2 लेंथ भी चेंज होगी. और अकॉर्डिंगली मैं मानता हूं अगर L1 वाली लेंथ L1 डैश हो जाती है और L2 वाली लेंथ L2 डैश हो जाती है तो मैं क्या लिख सकता हूं, L1 डैश माइनस L2 डैश मस्ट बी इक्वल टू 10. और यही मैथमेटिकल मतलब है इस लाइन का कि द डिफरेंस मस्ट बी कॉन्स्टेंट बिटवीन देम एट ऑल टेम्परेचर्स. ये मतलब है इस लाइन का. अब इस फैक्ट से और इस फैक्ट से मुझे एक चीज तो मिल जाती है कि L1 माइनस L2 मस्ट बी इक्वल्स टू L1 डैश माइनस L2 डैश. ये बात है. अब L1 क्या है, मेरा लेंथ ऑफ सिलेंडर. अब L1 को मैं क्या सब्सिट्यूट करता हूँ, L1 ही. और L2 को मैंने L2 सब्सिट्यूट किया. L1 डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, L1 1 प्लस अल्फा ऑफ कॉपर, क्योंकि कॉपर सिलेंडर है और मैं मानता हूँ डेल्टा टी से इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया, माइनस L2 डैश. L2 डैश क्या है, मेरी आयरन रॉड की लेंथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर और वो कितनी हो जाएगी मेरी, L2 1 प्लस अल्फा ऑफ आयरन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी. अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, L1 माइनस L2 मस्ट बी इक्वल्स टू L1 प्लस L1 अल्फा ऑफ कॉपर डेल्टा टी माइनस L2 माइनस L2 अल्फा ऑफ आयरन डेल्टा टी. यहां से हम क्या देख रहे हैं कि L1 माइनस L2 का फैक्टर बोथ साइड से कैंसिल हो जाता है और मेरे पास सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है, L2 अल्फा ऑफ आयरन डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल्स टू L1 अल्फा ऑफ कॉपर डेल्टा टी. डेल्टा टी से डेल्टा टी अगेन कैंसिल हो गया और मेरे पास आ जाता है अल्फा ऑफ आयरन मल्टीप्लाइड बाय L2 मस्ट बी इक्वल्स टू L1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा ऑफ कॉपर. तो ये रिलेशन मेरे पास एक आ गया. अब इसको अगर मैं अपनी इक्वेशन 1 कह दूं और इसको अगर मैं अपनी इक्वेशन 2 कह दूं तो ध्यान से देखो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, हमें अल्फा ऑफ आयरन भी पता है, हमें अल्फा ऑफ कॉपर भी पता है, ये दोनों चीज़ें हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मैंशनड है. और हमें एक और फैक्ट पता है कि L1 माइनस L2 10 है. तो हमारे पास दो रिलेशन है और दो वेरिएबल्स हैं तो हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं. रिलेशन 2 से मेरे पास क्या आ जाता है, फ्रॉम 2 मेरे पास क्या आ जाता है, L1 एज 10 प्लस L2. ठीक है, अब इसको मैं इस रिलेशन में सब्सिट्यूट कर देता हूं तो मेरे पास अकॉर्डिंगली क्या आ जाता है, अल्फा ऑफ आयरन मल्टीप्लाइड विद L2 मस्ट बी इक्वल टू L1 और L1 कितने के बराबर है, 10 प्लस L2 मल्टीप्लाइड विद अल्फा ऑफ कॉपर. इसको हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन. L2 में हमें अल्फा आयरन पता है, अल्फा ऑफ कॉपर पता है, 10 एक कांस्टेंट है, ये एक लीनियर इक्वेशन है L2 में. इसको सॉल्व करने के बाद हमें L2 फाइंड कर सकते हैं और जब हम वैल्यूज को सब्सिट्यूट करते हैं तो मेरे पास L2 कितना आता है, 19.4 सेंटीमीटर्स. और ये क्या है, मेरी लेंथ ऑफ आयरन रॉड, दिस इज लेंथ ऑफ आयरन रॉड. बट हमको क्या फाइंड करना था, हमको फाइंड करते हैं उनकी लेंथ. हमने आधा टास्क कंप्लीट किया, अभी हमने लेंथ ऑफ आयरन रॉड फाइंड किया, अभी हमको लेंथ ऑफ कॉपर सिलेंडर भी फाइंड करनी है. वो हम कैसे करेंगे, रिलेशन 2 से. हमको पता है L1 क्या है, 10 प्लस L2. अगर मैं L2 फाइंड कर चुका हूं तो डेफिनेटली मेरे पास L1 भी आ चुका है और वो कितना हो जाता है मेरे पास, 29.4 सेंटीमीटर्स. तो मैंने L1 भी फाइंड कर लिया और L2 भी फाइंड कर लिया और यही हमारा टास्क था इस क्वेश्चन के लिए.
तो इसमें हमने क्या फैक्ट यूज किया, बेशक हमारी लेंथ्स बढ़ जाएं लेकिन उनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली हमने लीनियर एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट को यूज किया, जिससे हमने रिलेट किया एल वन डैश और एल वन को, और बाद में एल टू डैश को और एल टू को, इन सब को हमने इस रिलेशन में सब्सटीट्यूट किया, और अकॉर्डिंगली सॉल्व करने के बाद हमको एल वन और एल टू ने फाइंड कर लिया।